पुणे में जो सबसे खूबसूरत गणपति फेस्टिवल अगर कहीं मनाया जाता है तो वो है दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर, उनकी ट्रस्ट की तरफ से जो मनाया जाता है। ये काफ़ी खूबसूरत होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। अब अभी हम पहुँचे हैं शनिवार वारा से थोड़ा सा पीछे, ये तकरीबन मेन मंदिर से 1 किलोमीटर पहले हैं हम, और यहीं से लाइन तो नहीं है, एक भीड़ है, ये बहुत धीरे धीरे आगे चल रही है, पर अच्छी बात यह है कि ये भीड़ चल रही है, वरना आप अगर बच्चों के साथ आएँ तो आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी मेन मंदिर से पहले एक ये नवग्रह मित्र मंडल करके था यहाँ पे, वो शनिवार वारा के आसपास, इसका भी पंडाल काफ़ी छोटा था बट काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये भाई साहब, ये एक लोकल यहाँ के कोई पार्षद थे, कोई नेता, और वो उन्होंने बीच में सबके लिए तो नो एंट्री थी, पर इन्होंने अपनी गाड़ी अंदर घुसा दी। भाई साहब ने घुसा तो दी पर लोगों ने इन्हें आगे जाने ही नहीं दिया। मैं देख रहा हूँ, मैं तकरीबन यहाँ से आधे घंटे से हूँ यहाँ पे और इनकी गाड़ी वहीं की वहीं पड़ी है, तो आप स्पेशल ऐसे ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे तो भाई जनता तो आपको माफ़ नहीं करने वाली। तो हम जब आगे भी निकल गए थे तो ये गाड़ी यहीं पे थी तकरीबन 1 घंटे से, लेकिन वो भाई साहब उतर नहीं रहे थे, उनकी भी अलग धौंस थी कि हम तो यहाँ के नेता हैं। चलिए खैर, हम आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनके फादर जो हैं वो बच्चों को अपने कंधे पे उठा के ऐसे मेला घुमाने ले आए थे। ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी जब गांव में थे तो दादाजी ऐसे ही कंधे पे उठा के मेला घुमाने, दुर्गा मेला वहाँ पे बहुत अच्छा होता है तो वो घुमाने ले जाते थे, तो एकदम बचपन की याद आ गई थी। और ये भीड़ भाड़ भी कुछ ऐसी ही थी, दोनों तरफ दुकानें, वो उन दुकानों में भी वही चीज़ें मिल रही थी जो अपने गांव के मेला में मिलता है, वो छोटे छोटे खिलौने और गले में पहनने के लिए लड़कियों का जो मेकअप का सामान और वो सब आता है। तो हम तकरीबन 40-45 मिनट इस भीड़ में चलने के बाद फाइनली दगड़ूशेठ हलवाई गणपति ट्रस्ट की तरफ से जो मेन पंडाल था जिसमें वो रामायण कॉरिडोर की तरह बनाया गया था, उस कॉरिडोर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से भीड़ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है जैसा कि हम देख रहे हैं, और ये जो कॉरिडोर है ये तकरीबन 200 मीटर का होगा, और इसमें आप देख सकते हैं दोनों तरफ रामायण से रिलेटेड बहुत सारी जो चित्र हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पोस्टर्स लगाए हैं और काफ़ी खूबसूरत बनाया है। मेन दगड़ूशेठ हलवाई का मंदिर ये है, यहीं पर गणपति की जो ओरिजिनल गणपति है वो यहीं पे विराजमान रहते हैं, जिन्हें अभी उठा के पंडाल के अंदर डाला गया है। ये मंदिर भी काफ़ी पॉपुलर है, अगर आप कभी पुणे आए तो ज़रूर यहाँ पे आए, श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर। आप किसी से भी पूछेंगे पूरे महाराष्ट्र में सबको पता होता है ये मंदिर, काफ़ी खूबसूरत भी है और काफ़ी प्रसिद्ध भी है, काफ़ी पुराना भी है ये, जो अभी खाली पड़ा है क्योंकि अभी उनको गणपति को उठा के पंडाल के अंदर डाल दिया गया है। तो भीड़ में अभी तकरीबन इस कॉरिडोर में आए हुए हमें आधे घंटे तो हो गए और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे, भीड़ इतनी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पेस काफ़ी कमी है और उस कम स्पेस में लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आज संडे भी है तो इस कारण लोग बहुत ही ज़्यादा आए हैं। फाइनली हम तकरीबन इस लाइन में मुझे लगता है कि 1.5 घंटे तो हो गए हैं और अब हम मंदिर के आसपास पहुंचे हैं। अभी मैंने जूम कर दिया इसलिए वो लग रहा है कि हम मंदिर तो नहीं, ये पंडाल के अंदर आ गए, पर ऐसा है नहीं। यहाँ का जो पंडाल बनाया गया है, ये अयोध्या में जो राम मंदिर बनने वाला है उसी के डिज़ाइन में बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये, आप देख सकते हैं श्री राम मंदिर अयोध्या लिखा हुआ है, तो ऐसा ही कुछ दिखने वाला है श्री राम जन्मभूमि पे जो बनने वाला अयोध्या में मंदिर है। और चलो फिर गणपति बप्पा के दर्शन हो गए, तो फाइनली गणपति बप्पा के दर्शन हो गए, अब काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है, आप सभी के भी दर्शन हो गए। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।